24 घंटे के लिए 100 रुपए में और दूसरी तरफ मेरे बेस्ट फ्रेंड को मिलेंगे 10,000 रुपए। और लास्ट में हम देखेंगे 24 घंटे बाद मिलने के बाद कि कौन हम दोनों में से ज्यादा खुश रहता है। मैं खुश रहूंगा, तू दुखी रहेगी, तू दर दर के धक्के खाएगी। 10,000 रुपए इसके पास दो, 5 स्टार में रुकेगा, स्टारबक्स में ब्रेकफास्ट करेगा और लंच में सोता हूँ ताज वगैरह में करके आऊंगा। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, कहीं छोड़ना है बस स्टैंड वगैरह नहीं, रहने दो, हम खुद देख लेंगे। और गाइस, इस वीडियो का मेन रूल ये है कि हम दोनों में से कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। तो गाइस, ये लोग तो मुझे छोड़कर चले गए और हम दोनों, मैं और आयुष, यहाँ पे खड़े हैं। बस अगले 24 घंटे बाद हम देखेंगे ये कि क्या पैसे से खुशी आती है या नहीं आती है। लेट्स गो। तो दोस्तों, अपने पास आज 10,000 रुपए है खर्च करने के लिए और हमें कोई सेव भी नहीं करना है, इनको खर्च ही करना है 24 घंटे में। रोज तो मैं घर पे 10 रुपए की चाय पी लेता था, 2 रुपए का पापा खा लेता था, पर आज भाई राजा की जिंदगी है, आज हम करेंगे स्टारबक्स में ब्रेकफास्ट। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, 5 स्टार में रुक सकते हैं, क्लब जा सकते हैं। अब देखना आज क्या क्या मजे करने वाले हैं। बेचारी निशु 100 रुपए में उधर क्या करनी है। पहली बात तो यहाँ से जाए कहाँ यही सोचना पड़ेगा हमें तो यार। गाइस, जेब में रुपया नहीं है, अब पता चला कि पैदल चलना भी कोई चीज होती है जो बहुत दिनों से मैंने नहीं करी है, तो अब समझ में आ रहा है कि शाम को 1-2 घंटे पैदल भी चल लेना चाहिए। बस बता गए, पर यहाँ पे सबसे मुश्किल टास्क का ऑर्डर देना, क्योंकि इनके नाम ऐसे ना, कपीनो सफीनो मफीनो, मैं समझ में नहीं आती, मैं तो सीधा फोन कॉफी बोल देता हूँ। तो गाइस, अपनी कॉफी आई है 580 रुपए की और फिर भी पता नहीं क्यों सस्ती लग रही है। क्या बोला तूने? हो सकता है मेरी जेब में आज बहुत ज्यादा पैसा इसलिए सस्ती लग रही है, तो लो लीजिए, एंजॉय करो। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। चीयर्स। तो कर कितने की है? 10 रुपीज। पर ना मेरा चैलेंज चल रहा है, मुझे अगले 24 घंटे सिर्फ 100 रुपए में बताने हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो एक काम करो, आपकी 10 रुपए की फुल कप है ना, आप मुझे हाफ कप 5 रुपए की दे दो, आपका भी घाटा नहीं होगा, मेरा चाय का मन भी रह जाएगा। देखो गाइस, 5 रुपए की चाय आ गई है हमारी, आधी कप। चीनी कम डाली है 5 रुपए के हिसाब से। अभी कोई आता 10,000 वाला तो फुल चीनी मार के देते ना चाय, कई बार दूध में देते। इस आदमी में इंसानियत नहीं है। यहाँ मैं बिना चीनी की 5 रुपए की चाय पी रही थी और वहाँ वो मयंक। तो दोस्तों, अपना ब्रेकफास्ट तो हो गया मस्त स्टारबक्स की कॉफी के साथ, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ा बहुत पैसा अपने ऊपर खर्च किया जाए, यानी कि अपनी ग्रूमिंग पे, क्योंकि मैंने आज तक अपनी जेब से अपनी ग्रूमिंग पे कोई पैसा खर्च नहीं करा है। तो सोच रहा हूँ डिटेनिंग करा लूँ, अपने पैसे से इस चीजें मैं कभी नहीं कराता, मुझे फिजूल खर्च लगती है। बट पैसा अगर किसी और की जेब से आ रहा है और सिर्फ खर्च करने के लिए ही मिला है, खर्च करो ना फिर। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कबीना। जहाँ एक तरफ मयंक तो पैसा आने से बहुत खुश था, वहीं मैं दूसरी तरफ लोगों से ये पूछ रही थी कि पैसे से ही खुशी मिलती है कि बिना पैसे के भी खुश रहा जा सकता है। आज के टाइम पे तो पैसे से ही खुशी है, बिना पैसे के खुशी नहीं। सारी खुशी पैसे से, बिना पैसे के कोई खुशी नहीं, नहीं मिलती है। बिना पैसे के हर चीज मिलती है। कैसे? कैसे? जब प्यार मिलता है, प्यार मनाएंगे तभी प्यार मिलेगा। तो मतलब बहुत सारे पैसे से खुशी मिलती है कि थोड़े में भी काम चल जाता है? थोड़े में भी चल जाता है मैडम। देखो, बहुत सारे पैसे से तो अपनों में दरार आ जाती है। अपनों में दरार आ जाती है। पैसा बड़ा या प्यार? पैसा, पैसा तो भाई तो होता है, प्यार बड़ा होता है। मतलब प्यार बड़ा नहीं होता, प्यार इतना होता है बड़ा। और पैसा कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। यही तो हमें देखना है गाइस, पैसे वाले के पास सब जाते हैं, बिना पैसे वाले के पास 24 घंटे में कौन कौन आएगा। वैसे 10,000 रुपए मुझे मिले हैं, पर मेरे साथ ये फ्री में चिल कर रहे हैं, दो आदमी दस अकेले कहाँ चिल कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ बेचारे आयुष का क्या रहा होगा, बस धूप सेक रहे हो, अब सोच रहे आगे क्या करें। तो मेरे एक बात नहीं समझ में आती, तुम इतनी धूप और पोल्यूशन में चैलेंजेस करती हो, फिर भी तुम्हारी स्किन इतनी ग्लोइंग और फ्रेश कैसे रहती है? बेटा क्योंकि मैंने 1 बोट
वाटर चैलेंज लिया है जिसके लिए मैं काफी टाइम से मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो सीरम यूज कर रही हूँ, जिसमें 5% विटामिन सी, 5% नायासिनामाइड एंड टर्मरिक है। ये मेरे स्किन के नेचुरल ग्लो को रिवाइव करता है, स्किन टोन को भी इम्प्रूव करता है और मैं डेली ये मॉर्निंग एंड नाइट में यूज करती हूँ। और इसकी बेस्ट चीज, ये 30 ml सिर्फ 399 का आता है और इसके साथ में सेम रेंज का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन भी यूज करती हूँ, जो मुझे सन प्रोटेक्शन के साथ साथ ग्लोइंग स्किन भी देता है। इस समय अगर आप भी अपनी स्किन को मेरी तरह ग्लोइंग रखना चाहते हो तो अभी अपने लिए प्रोडक्ट्स मंगाकर 1 bottle चैलेंज ले लो। प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड यूज माय कूपन कोड टू गेट 20% ऑफ। मामा की सबसे अच्छी बात ये कि आप जब भी इनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, ये आपके ऑर्डर को एक वेबसाइट से लिंक करके एक पेड लगाते हैं और इनका एम है 2025 तक 1 million टीज लगाना। मामा के प्रोडक्ट सभी ई कॉम लाइक नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के साथ साथ आपके नियर बाय स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। अगर आपको कहीं दिखे तो कॉमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज अपनी ग्रूमिंग हो चुकी है डन और गाइज आज मेरे पास था बहुत सारा फ्री का पैसा, क्योंकि निशु का पैसा है तो मेरे लिए तो फ्री का ही है। अंदर बैठ के मेरा दोस्त डीके बोर हो रहा था तो मैंने उसके लिए भी एक चीज करा दी है। और गाइज हैरानी की बात ये नहीं है कि गंजा हो गया, हैरानी की बात ये है कि इसको गंजा करने के 750 rupees लगे। जहाँ एक तरफ ये गंजा होने में इतने पैसे खर्च कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मेरे खाने के भी लाले पड़े हुए थे। खाली जो स्टार्टिंग है वो 140 rupees से है, 100 rupees में तो दिन गुजारना है। अब तो 95 बजे हैं, कहीं और चलते हैं। 20 का है बेटा। 10 की मिल सकती है क्या? 10-15 की हो सकती है, मतलब थोड़ी कम दे देना। दो कर दे, एक की। इतनी मुश्किल से मैंने मोल भाव करके अपने बजट से 10 rupees निकाले और इन अंकल ने खड़े खड़े मेरी कचौड़ी पे नाक फेर दी। कचौड़ी के साथ साथ मेरा दिल भी चूर चूर हो गया। बड़ी दुविधा थी, नाक वाली कचौड़ी खाते या अपने पैसों का नुकसान देखते। मैंने सोचा छोड़ो यार, हाइजीन भी कोई चीज होती है, कचौड़ी के चक्कर में बीमार थोड़ी पड़ेंगे। तो गाइस हमने अपना खाना कर दिया है ऑर्डर और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने बिना मेन्यू में रेट देखे हुए खाना ऑर्डर किया है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। अब देखो मैंने भर भर के खाना खाया आपके लिए। और ये दोनों 10,000 के साथ 56 भोग नाप रहे थे और मुझे यहाँ अभी तक एक रोटी तक नसीब नहीं हुई। इस टेम्पो वाले से मदद मांगनी है? देख ये BSS वाला है, कहीं किडनैप भी नहीं करेगा क्योंकि कंपनी से आ रहे हैं। आप सीधा जा रहे हो क्या? आप हमें बीच में छोड़ दोगे? गेट बंद करो भाई, मैं बोल रही हूँ पैसे कम हो ना, थोड़ी बहुत चल जाते हैं, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कमेंट करके बताओ मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। मैं यहाँ पर आई इतना दूर, इतनी मेहनत करके, चल कर, फिर मदद मांग के, और सच बताऊँ दिल से जो दुकान पे मैं आई थी वो दुकान ही बंद है आज। भगवान गरीबों की परीक्षा क्यों लेते हैं? वो दो दाना मजे कर रहे होंगे 10,000 rupees लेके। 10,000 चौमिन कितने की है? 7, मतलब अगर मुझे थोड़ी सी लेनी हो तो मैं कितने की ले सकती हूँ? और वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। हाँ थोड़ी मुश्किल हुई पर भगवान ने मेरी भी सुन ली। ये जो रेडी वाले ठेले वाले होते हैं ना, आपके हिसाब से ऑर्डर को कस्टमाइज कर देते हैं, पर यही अगर हम 5-star में जाते अभी हैं, क्या वो करते? नहीं करते, वो तो अपने हिसाब से ही देते हैं। सैल्यूट है यार इन लोगों के लिए। तो गाइस यहाँ पे हमारा बिल आया है 1200 rupees, अभी भी हमारे पास बाकी है 5,500 rupees। तो भाई अब हमारा मेन जो आज का सपना था वो पूरा करने का टाइम आ चुका है। क्या 5-star में रुकने का? यस, जैसे ही हमारे पास पैसे आए थे हमने सोचा था कि आज हम रुकेंगे एक बहुत ही बढ़िया जगह 5-star होटल में, क्योंकि चैनल में इसने बोला था किसी को अपने घर पे नहीं जाना। हमने कहा हमें क्या फर्क पड़ रहा है इस चीज से, मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, हम रुकेंगे आज 5-star होटल में। फोटो खींच रहे थे, लाओ मैं खींचू तुम्हारी फोटो, अच्छी सी खींची है, लाओ। अरे भागूंगी थोड़ी, फोन लेके दिखाओ देखो कि पीछे आई है। कुछ तरीका है भीख मांगने का? हम दोस्त है कि नहीं है? है तो आइसक्रीम खिलाओ। एक कंपनी की तरफ डिलीट करो फोटो। गाइस दिन तो हम जैसे तैसे मस्ती करके काट रहे थे, पर मुझे मेन चिंता थी रात की,
कि आखिर रात को हम कहाँ रहेंगे। तो गाइस जो होटल नॉर्मली 3-4 हजार रुपए के मिलते थे, आज उन होटल का प्राइस है 16,000-26,000। हम सोच रहे 10,000 रुपए लेके कि हम कितने रईस हैं, हम अंबानी समझ रहे थे अपने आपको। इन होटल वाले ने हमें हमारी औकात दिखा दी कि सालों कुछ नहीं होता 10,000। एक काम करें, हाँ 3 स्टार भी बुरा नहीं है, अपने बजट में 3 स्टार आ रहा है, बाथ टब होगा छोटा मोटा हो, बाल्टी वाल्टी तो मिल जाएंगे बाल्टी मिल जाएगी अच्छे से। तो गाइस 5 स्टार तो हमारी पहुंच से और औकात दोनों से बाहर हो गया, तो अभी हमें बहुत ज्यादा रिसर्च करके एक होटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें मस्ती भी तो करनी है यार, नहीं तो निशु है हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे कि सालों तुम्हारे पास 10,000 रुपए थे और तुम मस्ती नहीं कर रहे। 100 रुपए में वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। गाइस हम दोनों ने बहुत देर से अपना टाइम पास कर रहे थे यूं ही मजे लेके लोगों से, और मैंने सोचा यार पैसे होते तो हम कहीं घूम घूम लेते। फिर मुझे याद आया कि दिल्ली में तो महिलाओं के लिए DTC बिल्कुल फ्री। तब हम यहाँ से जा रहे हैं राजीव चौक, घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे, कहीं तो जाए यार, कहीं तो पहुंचे। जब मैं कॉलेज जाती थी फर्स्ट ईयर में थी, तो हम मैं कैसे बस स्टैंड पर बैठ के टाइम पास करते थे, राज वो गाड़ी में घूम रहा है, मैं फिर से बस का वेट कर रही हूँ। तो के बाद निकला मैं। फाइनली हम निकले राजीव चौक के लिए, और सफर में हमें मिले ये भैया जिन्होंने हमसे बहुत गप्पे लड़ाई, और बातों ही बातों में हम कब पहुंच गए पता ही नहीं चला, और ये दोनों अभी तक यही नहीं सोच पाए कि जाएं कहां। सोचा नहीं था कभी जेब में 10,000 रुपए होने के बाद हम धक्के खाएंगे, 3 घंटे से होटल ढूंढ रहे हैं। परेशान हो गया यार, होटल इतना मुश्किल है क्या ढूंढना। ओयो मिल रहे हैं, ओयो गंदे वाले उनमें नहीं रुक सकता भाई, घर वालों ने देख लिया ना सुबह हम दोनों को ओयो से निकलते हुए, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, तो रुकना तो अच्छी जगह पे पड़ेगा। सही बात है यार। वैसे किसी ने सही कहा है, ज्यादा पैसे के साथ आती है ज्यादा चिंता, और हमारे पास तो ना पैसे थे ना ही चिंता, इसलिए मैं अपना टाइम पास करने के लिए घुस गई इस न्यूज की डिबेट में। पैसे कहाँ से आए? इतने कुछ? अच्छा आप जब चलती हैं तो 2-4 लोगों को लेके चलती हैं साथ? अच्छा भैया मैं 2-4 इधर खड़े, 2-4 पीछे खड़े, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, मैं इन्हें जानती भी नहीं। आपका देखिए ऑरा कितना जबरदस्त। गाइस फाइनली गुड़गांव से भी 30 किलोमीटर अंदर जंगल में आने के बाद हमें अपना होटल मिला। देखना ये है कि क्या रूम लायक है कि रूम आने का 5,000 खर्च करने का। अपना रूम जो है वो तो बढ़िया है, बस एक दिक्कत की बात है कि इसमें बाथ टब नहीं है, और सच बता रहा हूँ जेन्युइनली इस बात का मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मुझे लगा था यार कि आज मेरे पास 10,000 रुपए हैं, बहुत चिल करूंगा, फन करूंगा। तो अभी अपने दुख को थोड़ा दूर करने के लिए, एनर्जी फील करने के लिए DK हमारे लिए कॉफी बनाया है। तो गाइस DK ने जो कॉफी बनाई थी वो टेस्टिंग का टाइम आ चुका है, देखते कैसी बनी है। ये तो टट्टी है, बहुत बुरी बनी है भाई। आज सब कुछ खराब ही क्यों हो रहा है, मैं बस इतना पैसा था सब कुछ था, फिर भी सारी चीजें खराब क्यों जा रही है। हम बहुत मजे लिए ना, नीसु बोल के 100 रुपए में क्या करेगी करेगी, इसीलिए हो रहा है। चाय पियोगे? बिस्किट खा लो। रोड के आदमी रोड पे ऐसी हरकत कर सकते हैं? कोई ऐसी फर्स्ट टाइम में आके पूछेगा खाना खाओगे ये करो? भाई साहब सच बता रहा हूँ, इससे ज्यादा मन मेरा अपने घर पे लगता है, मस्त वाईफाई चलता है। और गाइस सबसे बड़ी समस्या पता क्या हुई हमारे साथ, सुबह से हमने पैसे को पैसा समझा ही नहीं, 2,000 रुपए मैंने मुंह धुलवाया, 750 का एक गंजा हुआ। भाई साहब अब रियलाइज हो रहा है कि हमने ओवर स्पेंड कर दिया है, बट अब अपने पास सिर्फ 400 रुपए, और इसमें हमें अपनी रात का डिनर भी करना है। डिनर कैसे होगा भाई यार, अच्छा नहीं लगेगा होटल से बाहर निकल के जाएंगे। हाँ ये एक तरफ इसलिए रो रहे थे कि ये 5 स्टार में डिनर नहीं कर पाए, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आज मुझे डिनर मिलेगा कि नहीं। बर्गर टिक्की कितने की है? 60 रुपए। और ये चिल्ला 60 रुपए का है, सबको 60 का है। और यार मेरे पास थे सिर्फ 50 रुपए, और मेरे बजट में कुछ भी नहीं आ रहा था, और रात इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि सीपी की सारी दुकानें बंद होने लगी थी। यार देखो मैं बहुत देर से घूम रही हूँ और सोच रही हूँ कुछ मिल जाए, नहीं मिल रहा कुछ खाने का, मैं वापस भी नहीं जा सकती कि मैं अपने इलाके में चली जाऊँ, क्योंकि DTC जो है वो चलना बंद हो चुकी है, रात हो गई है। ठीक है तो अब मैंने दिमाग लगाया, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपनी दोस्त गीत को कॉल करने वाली हूँ, उसको बोलने वाली हूँ कि देख बहन मैं यहाँ फंस गई, मुझे मदद की जरूरत है, मेरी कैब बुक कर, पैसे भर, देखती हूँ मेरी कंगाली में मदद करेगी कि नहीं करेगी, इतने सालों से दोस्त है मेरी, कब काम आएंगे यार दोस्त। कॉल करती हूँ। हेलो कहाँ है यार? एक हेल्प चाहिए यार, मैं यहाँ पे CP में थी और मैं ना फंस गई हूँ।
मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तेरे घर आना था। अच्छा, तो तुम, मैं क्या करूँ, तू मेरी, मैं अपने, मेरी, मैं कैब बुक कर रही हूँ, तू पैसे दे दियो। तो मैं कैब बुक कर ली, तो यहाँ से जो भी फेयर बनेगा तुम वहाँ कैश दे दियो। ठीक है, मेरा काम बन गया। ठीक है, अब मैं जाने वाली हूँ, अभी कैब बुक करके इसके घर जाऊंगी, वहाँ पे से फेयर भरवा लूंगी, ठीक है, और वहाँ पे खाना मिल ही जाएगा। और यारी दोस्ती का तो कुछ फायदा हो यार जीवन में। तो गाइज अपना डिनर हो चुका है डन, अब चल के अपने होटल चुपचाप लेट जाते हैं, क्योंकि हमारे पैसे हो चुके हैं खत्म और इधर उधर घूमने का कोई फायदा नहीं है। हमने सोचा था क्लब जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट फ्री में कहीं नहीं जा सकते। और हम इतने बड़े बेवकूफ़ थे कि हमें 10,000 रुपये मिले थे और हमने बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव शॉपिंग करके या बाल बाल कटा के जो भी था खर्च कर दिए पैसे गलत तरीके से, गलत जगह पे। और देखते हैं सुबह निशु से मिलते हैं, देखते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा था। हमसे तो खराब ही रहा होगा। हवाई कैसी रही? बहुत मजा यार, बहुत। गाइस देख रहे हो आप लोग, आपने तो सब देखा ही है, इसको 10,000 मिले थे, मुझे 100 मिले थे, 10,000 में से कुछ बचा है? बच तो कुछ नहीं पाया। गाइस इसके 10,000 में भी कुछ नहीं बचा, मेरे 100 में भी मैंने 50 बचा लिया। तो भीख मांग के खाने का था ना तुम्हें? भीख नहीं मांगी मैंने, दिमाग लगाया, ठीक है। पर गाइस अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके आपको ही बताना है कि किसका एक्सपीरियंस आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मैं टीवी पे भी आई हूँ तो सब्सक्राइब भी कर देना।